वेलकम स्टूडेंट। तो हम अपना 8th चैप्टर जो जिसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है, तो एक्चुअल में इसमें है क्या एपोस्ट्रॉफी, ये जो मार्क आपको दिख रहा है ना एपोस्ट्रॉफी के बाजू में एक ब्रैकेट में कॉमा जैसा है, ये कॉमा अक्सर करके वर्ड के ऊपर आता है। अक्सर जो हम नीचे लगाते हैं वो कॉमा होता है, जो ऊपर इस तरह की मार्किंग होती है ना उसे एपोस्ट्रॉफी मार्क कहा जाता है। ये मार्क याद रखो, ये जो है ऊपर की तरफ होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी मार्क कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव already learned that the sign of an apostrophe with s is mostly used with the common and the proper nouns to show ownership of और पोजेशन। अब हम लोग आप लोग शायद 6th में 5th में पढ़ चुके होंगे एपोस्ट्रॉफी के बारे में, कि एपोस्ट्रॉफी ये जो मार्क है ना ये अक्सर करके एस के साथ लगता है, मतलब कहीं भी ये ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करके साइड में एस लिखा जाता है। तो ये अक्सर करके जो है कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, इससे उसकी ओनरशिप या पोजेशन बताते हैं। जैसे बिलोंगिंग्स हम कह सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये उसकी है, तो बिलोंगिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, इस तरह के एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, सीताज फ्रॉक इज़ न्यू। अब यहाँ पे फ्रॉक किसका है, सीता का है, इसलिए सीता सीताज, देखो सीता फिर ऊपर इस तरह से कॉमा किया गया है और फिर एस लगाया गया है, यानी फ्रॉक किसका है, सीता का है। तो किसका फ्रॉक न्यू है, सीता का फ्रॉक। तो फ्रॉक मतलब ओनर, ओनर कौन है फ्रॉक का, सीता है, इसलिए सीताज में प्लूरल नहीं हम कर सकते ना कि बहुत सारी सीता नहीं है, तो एक ही सीता है, इसलिए कॉमा करके एस डाला है। द हॉर्स टेल इज़ बुशी। अब किसकी, घोड़े की पूंछ जो है वो बुशी है, तो पूंछ किसकी है, घोड़े की है, वो बिलोंगिंग बिलोंग किसको करता है, हॉर्स को कर रहा है, इसलिए हॉर्स में क्या आया है, एपोस्ट्रॉफी एस आया है। तो हमेशा याद रखना कि एपोस्ट्रॉफी मार्क जो है वो किसी भी नाउन, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की ओनरशिप बता रहा है, उसका पोजिशन बता रहा है, उसके लिए होता है। नीचे देखो, इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अच्छा हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो ना, जैसे आप इज़ नॉट है, इज़ नॉट को आप क्या लिखते हो, इजेंट लिखते हो। जब आप इजेंट लिखते हो तो आई एस एन फिर ऊपर कॉमा करके टी लगाते हो, आप इसमें क्या ओमिट कर दे रहे हो, ओ कर दे रहे हो, ओ को क्या कर दे रहे हो, आप हटा दे रहे हो, तो वो ओमिशन हो गया है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म के लिए भी आप किसको यूज़ करते हो, एपोस्ट्रॉफी मार्क को यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया एग्जांपल में, ही डजेंट नो अरिथमेटिक। अब डजेंट, डजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, डज नॉट, तो नॉट में से ओ हटा दिया गया है, तो ओ को हटाया है तो ऊपर क्या लगा दिया गया है, एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दिया गया है। तो ही डजेंट नो अरिथमेटिक, डजेंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट का। शी डिडेंट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिडेंट मतलब डिड नॉट, तो वो स्कूल कल नहीं गई थी, तो यहाँ पे डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट है, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी मार्क आ गया है। याद रखना प्लूरल में कभी भी प्लूरल में एपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं लगाते हैं हम, जैसे कि बोलोगे ना ऐसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स तो उड़ रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल में है, तो कभी भी प्लूरल में एपोस्ट्रॉफी मार्क्स नहीं आता है। एपोस्ट्रॉफी मार्क्स किस में आएगा आपका, याद रखना जब आप किसी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके लिए, या किसी की बिलोंगिंग या ओनरशिप को डिस्क्राइब कर रहे हो उसके लिए। एग्जाम्पल देखो, थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। 16 क्वेश्चन ही है, आपको यहाँ पे साइन करना है खाली, मतलब टिक करना है। जैसे मैंने देखो पीडीएफ में दिया है, आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा मैंने कॉमा किया हुआ है उसमें, तो आपको वही करना है, इसमें सारे सेंटेंस में कॉमा नहीं करना है आपको। पहला देखो, गोपाल्स अंकल इज़ ए रिच मैन। अब सभी गोपाल, जितने भी गोपाल नाम के हैं उनके अंकल रिच मैन है, ऐसा नहीं है, एक ही अंकल किसके हैं, अंकल किसके हैं, गोपाल के हैं, गोपाल को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गोपाल्स जो दिया है ना, तो गोपाल और एस के बीच में क्या आ जाएगा, ऊपर एपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। शी कांट राइट नीटली। अब कांट, कांट बेटा कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए एन और टी के बीच में क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। आई एम, एम ये ए एम एम वाला एम है, तो यहाँ पे ए को ओमिट कर दिया गया है, ओमिशन किया गया है, इसलिए आई और एम के बीच में क्या आएगा, एपोस्ट्रॉफी मार्क आएगा। 4 नंबर देखिए, बर्ड्स सिंग स्वीटली। अब यहाँ पे पक्षी मीठा गा रहे हैं, तो बहुत सारे पक्षी गा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल में है, तो इसमें कोई एपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं आएगा। 5 नंबर, हु इज़ कमिंग टू स्कूल टुमोरो। अब यहाँ पे हुज़ लिखा है ना, तो ये हुज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, हु इज़, तो इज़ का आई कट करके यहाँ पे एस डाला है, तो यहाँ पे ओमिशन किया गया है, इसलिए हु और एस के बीच में क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रॉफी मार्क्स आ जाएगा।
सिक्स नंबर है बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेज द ड्रामा, लड़के लड़कियाँ स्टेज पर ड्रामा किए, तो यहाँ पे प्लूरल डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए सिक्स नंबर में भी कोई मार्क नहीं आएगा। सेवन नंबर दिस इज़ अ बुक एंड दीज आर इट्स पेजेस, अब ये बुक है और ये उस बुक के पेजेस हैं, तो पेजेस किसके हैं, बुक्स के हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो इट्स दिया है ना वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। एट नंबर में ही इज़ माई ब्रदर, तो ही इज़, तो इज़ की जगह खाली एस दिया है, देखो शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे ही इज़ में यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। नंबर नाइन आई डोंट लाइक बिटर कॉफ़ी, डोंट में भी नॉट जो आ रहा है उधर कॉमा आ जाएगा, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, तो एन और टी के बीच में अपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। नंबर टेन देखो दोज बॉयज़ शर्ट्स आर डर्टी, उन लड़कों के शर्ट गंदे हैं, तो यहाँ दोनों प्लूरल है, टेन नंबर में कोई अपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं आएगा। इलेवन नंबर देखो ए क्रोज नेस्ट इज़ मेड ऑफ स्टिक्स वायर्स एंड फेदर्स, एक क्रोज ए दिया है मतलब एक ही कौवा आएगा, अब वहाँ पे एस लगा है, नेस्ट किसका है, क्रो का, कौवे का है, इसलिए यहाँ पे ओनरशिप बताई जा रही है, तो क्रोज में क्या आ जाएगा, अपोस्ट्रॉफी एस आएगा। नंबर ट्वेल्व ही इज़ गोपाल्स फादर, अब ही इज़ ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए ही और एस के बीच में अपोस्ट्रॉफी मार जाएगा। गोपाल्स फादर, फादर किसके हैं, गोपाल के हैं, तो गोपाल में भी और एस में भी अपोस्ट्रॉफी मार्क आ जाएगा। नंबर थर्टीन वी बॉट अ लॉट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, हमने बहुत सारे सेब और संतरे खरीदे, तो ये प्लूरल में है तो इसमें कोई मार्क नहीं आएगा। फोर्टीन है आई डिड इट फॉर हरीस सेक, हरीस HARI हरी और कॉमा एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा के एस करेंगे कि हरी के भलाई के लिए किया गया, तो हरीस ये वो कोई नाम पूरा नहीं है, ये हरी और ईज़ है, तो ईज़ का आई दो बार आई आएगा इसलिए ओमिट कर दिया गया, तो आपको हरी और एस के बीच में अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है। 15 नंबर में है डॉग्स एंड कैट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑब्वियसली ये प्लूरल में दिया है कि कुत्ते बिल्लियाँ जो हैं पालतू जानवर हैं। नंबर 16 द सन शाइंस एंड द विंड ब्लोज, और ये इसमें भी कोई ऐसा बिलोंगिंग या ओनरशिप नहीं है ना शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें भी कोई भी मतलब हम कह सकते हैं कि मार्क नहीं आएगा। तो बेटा इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस आपको कहाँ पे मार्क लगाना है दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, तो इसका भी PDF मैंने आपको सेंड किया है, तो प्लीज़ देखकर बराबर से आप उसको लिखना अच्छे से, और प्लीज़ जितनी भी एक्सरसाइज आपको PDF सेंड कर रही हूँ या एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है ना, तो उसका ब्रैकेट और एक्सरसाइज नोटबुक में आप कॉपी डाउन करते जाइए, ओके, क्योंकि यूनिट टेस्ट में फिर आपको फॉर्म सर्च नहीं करना पड़ेगा, बार बार मोबाइल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो नोटबुक में लिखना इट इज़ कंपलसरी, रिमाइंडेड आई अगेन रिमाइंड यू इट इज़ कंपलसरी, यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए, प्रणाम।